भारत सरकार द्वारा कानून बनाए जाने के बाद भी तीन तलाक के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। तीन तलाक का एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसमें मात्र बच्चे के रोने से नाराज पति ने अपनी पत्नी को आधी रात में ही तीन तलाक दे डाला, साथ ही मारपीट की और बच्चे को उठाकर फेंक दिया। मामला सैदवा के उजमा का है, जहां अकबर नामक युवक ने 2017 में इंदौर से शादी की थी। शादी के बाद से ही पति घरेलू हिंसा करने लगा, लेकिन उसके बावजूद एक दिन जब रात में बच्चा रो रहा था तभी अचानक पति ने उठकर तीन तलाक कहकर अपना पल्ला खत्म कर लिया, जिसके बाद अब पीड़िता ने न्याय की गुहार की है और ज्ञापन के माध्यम से उचित कार्यवाही की मांग की गई है। एक मुस्लिम महिला जिसकी ससुराल साउथ थोड़ा इंदौर में थी और वहां पर पति ने उसको मारपीट करके भगा दिया और तीन तलाक भी बोला है। महिला की लिखित रिपोर्ट पर धारा 498 और मुस्लिम महिला विवाह निरपेक्ष अधिनियम 1919 की धारा 4 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। सर, मामले में मारपीट की जाती थी घरेलू हिंसा का 498। सर, उस मामले में कोई धमकाने का मामला सामने आ रहा है? उसमें भी धारा 407 का अलग से अलग उसी में प्रकरण पंजीबद्ध किया जा रहा है। उसने मारपीट करी सास ससुर जेठ पति, किस बात को लेकर? लड़की दहेज, लड़की होने पे और दहेज की मांग पे। 4 अगस्त को क्या घटना हुई थी? मेरी लड़की की तबीयत खराब थी, वो रो रही थी और वो रोने लग गई तो ये कहने लग गए कि इसको चुप करवाओ। मैंने वो चुप नहीं हुई तो ये कहने लग गए कि यहाँ से निकल जा, और है ना मुझे मारपीट करके सबने मारपीट करा और तीन तलाक दे दिया। आपके पति ने? हाँ, हमारे पति, और 2 बजे रात को बाहर घर से बाहर कर दिया। आपके पति का नाम क्या है? अकबर। आपकी शादी कब हुई थी? 2 साल पहले। इंदौर हुई थी? हाँ, इंदौर।